अच्छा करें, अगला क्वेश्चन हमारा है कंपेयर। कंपेयर का मतलब क्या होता है? कब हम एलसीएम यूज करते हैं, कब एमएससी यूज करते हैं, कब हम रेशलाइज यूज करते हैं, कब हम डोमिनेटर को रेशल बनाते हैं, कब हम डोमिनेटर को रेशल बनाते हैं, ये सारे क्वेश्चन इस पर होगा। तो ये देखो, ये दोनों क्वेश्चन में क्या है ना कि आपको रेशलाइज करना पड़ेगा और आपको पता है क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर देखो सेम हो गया, मेरे पास भाग नहीं पड़ता, रूट फाइव प्लस यहां पर आपका ये वाला हो जाएगा, ऊपर में हल करोगे तो फोर और नीचे रूट फाइव प्लस वन, ऊपर में भी फोर हो जाएगा या रूट सेवन प्लस रूट थ्री हो जाएगा। आज तो तुम सीखा था, वो आप ये सीखे थे कि आपको जो है डिनोमिनेटर को रेशलाइज करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को ही करवा दिए। अब फोर पर दोनों का देखो सेम हो गया, अब रूट फाइव से रूट सेवन बनाए कि नहीं, वन से रूट थ्री बनाए कि नहीं, तो ये बड़ा हो गया कि नहीं। अब बड़ा वाला का बीघा जमीन तो सेम है, तो इसलिए ये वाला बड़ा हो गया कि नहीं, इसी ढंग से ये वाला बड़ा हो जाए कि नहीं, यानी छोटा वाला बड़ा होता है। अब यहां पर ये बात करेंगे, अभी देखो आप तीसरा रूट में कर देंगे तो इसका यहां पर दोनों के एलसीएम ले लेगा तो छह हो जाएगा, यानी यहां पर तुम्हारे पास छह लाने के लिए यहां पर चार का छठा रूट होगा और यहां पर ये तीन से सताईस, अब यहां पर छठा रूट यानी ये वाला बड़ा हो गया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर देखो आपको एचसीएफ की यूज करना पड़ेगा। कैसे स्क्वायर करेंगे, 180 का स्क्वायर करेंगे तो 20 हो गया, यानी यहां पर तुम्हारा पर 2 के पावर 20 और उसके पावर 5 हो गया, यहां पर 3 के पावर तुम्हारे पास 20 और इसके पावर 4 हो गया। यह बात तुम्हारे पास करने आ गया है, करने आया कि नहीं आया, यह बात तो तुमको देखना पड़ेगा। तुम्हारे पास अब तुम्हारे पास हो जाएगा। अब रूट टू देखो, वहां वन बाई रूट टू है, ये छोटा है, ये वाला बड़ा है। अब बड़ा को हम वन वन दोनों को कॉमन है तो ये वाला बड़ा है। अब बात यहां पर हो गया तो यहां पर देखो इसमें छोटा वाला कौन है, ये है। मिलते हैं अगले वीडियो में।